कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर डज नॉट मीट अरेबियन सी। देखिए इनमें से कौन सा पेनिनसुला वो रिवर है जो अरेबियन सी में जाकर नहीं मिलता। चार ऑप्शंस हैं, वो अरेबियन सी तक पहुंचता नहीं है, वो पेनिनसुला। तो वो है दोस्तों हमारा कावेरी रिवर। देखिए क्यों, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए जो आपका कावेरी रिवर है ये ब्रह्मगिरी हिल से निकलता है। ब्रह्मगिरी हिल जो है वो आपके कर्नाटका में है, कर्नाटका से आता है और फिर कर्नाटका से होते हुए तमिलनाडु से होते हुए सीधा बे ऑफ बंगाल में जाता है। तो बे ऑफ बंगाल इधर है, अरेबियन सी आपका वेस्ट में है, तो ये कहाँ जाता है, बे ऑफ बंगाल में जाता है। ठीक है, रिवर बेसिन जो है इसका आप देख सकते 3% केरला में है, 41% कर्नाटका में आता है ये, 56% तमिलनाडु में आता है। सबसे ज़्यादा जो है ये तमिलनाडु में आता है, उससे कम कर्नाटका में और सबसे कम केरला में आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि जो आपकी अमरावती है, आपकी भावनी है, आपकी हिमावती है और आपकी किबनी है, ये कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। ये छोटे छोटे रिवर्स हैं, ये ट्रिब्यूटरीज किसकी हैं, अमरावती, भवनी, हिमावती और किबनी, ये आप लोगों ने बताना है। तो ये ट्रिब्यूटरी हैं दोस्तों कावेरी की। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको। तो मैं आपको बता दूं, आपकी अमरावती, भवनी, हिमावती, किबनी, ये कावेरी की ट्रिब्यूटरीज हैं। कावेरी जो मैंने आपको पहले बताया ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है दोस्तों, ठीक है, ये कर्नाटका से निकलती है। आगे हमसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है, मेल्टिंग वाटर, उसमें से पानी जो मेल्ट होकर निकलता है और उससे कौन सा दरिया बनता है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर कौन से रिवर का सोर्स है, इनडायरेक्टली ये पूछने की कोशिश है यहाँ पे। तो वो है दोस्तों आपका नुब्रा। नुब्रा रिवर जो है वो सियाचिन ग्लेशियर से निकलता है। आपको पता है नुब्रा रिवर का नाम सियाचिन रिवर भी है, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट लद्दाख वैली के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में आपको मिलता है। ठीक है, तो ये सियाचिन ग्लेशियर से निकलता है नुब्रा रिवर। आगे आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है हमारी अपनी स्टेट जम्मू एंड कश्मीर में, वो कौन से रिवर के किनारे, कौन से रिवर पे बनाया गया दोस्तों। वो तो रिवर है आपका दोस्तों चेनाब। ठीक है, पूरा डिटेल में देखते हैं हम लोग। देखिए चेनाब रिवर बनाया गया, इसका एलिवेशन है 359 मीटर। ठीक है, चेनाब वर्ल्ड का ये सबसे हाईएस्ट रेल का ब्रिज है दोस्तों, रियासी डिस्ट्रिक्ट में आता है हमारा ये चेनाब रिवर पे। आगे हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर, कि जो रिवर कावेरी है ना वो ओरिजिनेट होता है कौन सी स्टेट से। अभी हमने ये डिस्कस किया, मैंने आपको बताया था, तो वो होता है दोस्तों आपकी कर्नाटका रिवर से कावेरी का ओरिजिन होता है। तो आप देख सकते हैं कि रिवर कावेरी जो है वो कर्नाटका से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, तला कावेरी, ठीक है, एक जगह का नाम है जहाँ से ये कावेरी रिवर निकलता है और इसको ब्रह्मगिरी हिल्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो कर्नाटका कोरग डिस्ट्रिक्ट का नाम है, कोरग डिस्ट्रिक्ट से पूछा रहे हैं आगे क्वेश्चन कि विच सिटी इज लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ रिवर मूला। मुठा ये रिवर है एक, इसके किनारे पर कौन सा शहर जो वो वाकया है दोस्तों, शहर का नाम बताइए। शहर का नाम है पुणे। पुणे जो है आपका दोस्तों ये मूल मुठा रिवर है, ये इसके किनारे पे है। मूल और मुठा ये दो रिवर हैं ये पुणे के। ठीक है, तो ये ट्रिब्यूटरीज है दोस्तों, कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं ये दोनों। आगे हम पढ़ रहे हैं कि आपका जो गुवाहाटी है ये कौन सी रिवर के किनारे पे है। गुवाहाटी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये प्लेस है, गुवाहाटी ये है आपके रिवर, आपका जो है बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, दैट योर ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे पर है ये दोस्तों। गुवाहाटी जो है ये एक इंपॉर्टेंट सिटी है जो शिलोंग प्लेट्यू पे है ये। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे पे है और ये असम स्टेट में आता है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं हम आगे। हमसे पूछा जा रहा है कि द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ इंडस रिवर, इंडस आपका जो रिवर है सिंधु, वो कहाँ से निकलता है, कौन सी रेंज से निकलता है, वो है आपकी माउंट कैलाश रेंज। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि रिवर इंडस जो है ये ओरिजिनेट होता है साउथ तिब्बत से, तिब्बत का जो साउथ वाला पार्ट है, मानसरोवर लेक के किनारे, ठीक है, माउंट कैलाश से निकलता है। और पांच और रिवर्स भी यहीं से निकलते हैं, जैसे आपका बीस हो गया, चेनाब हो गया, ठीक है, झेलम, सतलुज, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। सॉरी, क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ इंडस रिवर, देखिए जो आपका इंडस रिवर है ये कहाँ से निकलता है। तो ये हमारा निकलता है माउंट कैलाश से निकलता है, मैं आप लोगों को बता दूं। अब जो हमारा इंडस रिवर है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिवर है हमारा ये इंडिया के हिसाब से, तो इंडस रिवर जो है ये तिब्बत के साउथ पार्ट से निकलता है। ठीक है, मानसरोवर एक लेक है माउंट कैलाश में, वहाँ से निकलता है। और इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे आपका बीस हो गया, आपका चनाब हो गया, आपका झेलम हो गया और आपका रावी एंड सतलुज, ये इसकी इंपॉर्टेंट फाइव ट्रिब्यूटरीज हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट आउट ऑफ इंडिया। देखिए इनमें से कौन सा रिवर जो हिंदुस्तान से नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर से निकलता है, वो कौन सा रिवर है दोस्तों? तो वो आपका एक ही रिवर है, वो है आपका इनमें से ब्रह्मपुत्र। मैं आपको बता देता हूँ, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये चैंदुंग ग्लेशियर जो है आपका, ये लेक मानसरोवर तिब्बत में से निकलता है, ये वहीं से जहाँ से आपका इंडस निकलता था। तो इसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जैसे मैं आपको बता दूँ तिब्बत में इसको त्संगपो बोला जाता है, तिब्बत में, चाइना में इसको यरलुंग यंगपो, और बांग्लादेश में इसको जमुना बोला जाता है। आगे हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मेक एन ईस्ट्री, इनमें से कौन सा रिवर जो ईस्ट्री बनाता है वो आपने उसका नाम बताना है दोस्तों। तो उसका नाम है नर्मदा रिवर। तो आप लोगों के हिसाब से मैं तो नर्मदा रिवर जो है ये फ्लो करता है और रिफ्ट वैली बनाता है, हैंस इट इज़ नॉट टू पिक अप मच सेडिमेंट्स। ठीक है, तो ईस्ट्री एक ऐसी जगह, ईस्ट्री होती है एक ऐसी प्लेस होती है दोस्तों जहाँ पर रिवर वाटर जो है वो मीट करता है सलाइन वाटर, सी के वाटर को, जहाँ पर रिवर वाटर ज्वाइन करता है उसको ईस्ट्री बोलते हैं।